हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बताने वाले हूँ किस तरीके से आप मिनी ब्लॉग में वॉइस ओवर कर सकते हैं। मिनी ब्लॉग यानी शॉर्ट वीडियो में आप किस तरीके से वॉइस ओवर कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर जिन लोगों को भी पता लगाना है कि भाई हम लोग आपसे ही क्यों सीखे या फिर आपसे ही क्यों सुने, तो लेट मी टेल यू माई क्रेडिबिलिटी। सबसे पहले जब भी मैं कुछ वॉइस ओवर रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, कि अभी मैं प्रोफेशनली दूसरे के चैनल, मतलब दूसरे के यूट्यूब चैनल के लिए मैं वॉइस ओवर करती हूँ, सो इसीलिए आप मुझे कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं इस सारे टॉपिक्स के लिए। तो अब शुरू करते हैं। कोई क्यों सर्च करेगा मिनी ब्लॉग में वॉइस ओवर, कितना सिंपल टॉपिक है, कोई क्यों सर्च करेगा। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि भाई मेरे चैनल पे लोग ज़्यादातर यही चीज़ सर्च करके आते हैं एंड कमेंट्स में भी सब लोगों का यही मैसेज होता है, तो आई थिंक लोगों को ये टॉपिक पसंद है, लोग सीखना चाहते हैं इस बारे में। ब्लॉग बनाने के लिए, कोई भी ब्लॉग बनाने के लिए आपको चाहिए होगा फुटेज जो आप रियल टाइम में शूट करते हैं। कहीं आप जाते हैं, अ डे इन माई लाइफ, व्हाट आई ईट इन अ डे, ये सारे दो तीन टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा ही लोग पसंद करते हैं। इनफैक्ट मेरे चैनल पे भी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं। जब भी मैं व्हाट आई ईट इन अ डे काइंड ऑफ वीडियो बनाती हूँ, अभी हमें पोर्ट्रेट मोड में चाहिए, लैंडस्केप या फिर हॉरिजॉन्टल मोड में हमें नहीं चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हम पोर्ट्रेट मोड कहते हैं। तो आपको पहले वीडियो बना लेनी है, जो जो भी चीज़ें इंटरेस्टिंग आपको लगती हैं वो सारा वीडियो निकाल लेना। कौन सा एडिटिंग ऐप आपके वीडियो को जस्टिस दे सकता है, मतलब मेरा जो ओपिनियन है, तो मैंने ना लिटरली बहुत सारे जो है एडिटिंग ऐप को इस्तेमाल किया है। काइन मास्टर हो गया, फिल्मोरा हो गया, इनशॉट हो गया, उसके बाद यूट्यूब क्रिएट हो गया, वो सारे जो एडिटिंग ऐप है ना, मैंने सारे के सारे यूज़ किए। इनफैक्ट जब मैं करती थी तो मैं डाविंसी रिजॉल्व को भी यूज़ किया एंड उसको इस्तेमाल करके मेरा दिमाग हिल गया है। एंड डाविंसी रिजॉल्व जो मैं यूज़ करती थी ना, मेरा दिमाग उसमें हिल गया है। एंड अडोबी और ये सारे जो चीज़ें हैं ना भाई, वो तो बिगनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। गलती से भी ये मत सोचना कि मैं वो ले लेता हूँ। पहले आपको एडिटिंग के जो बेसिक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो चीज़ आप स्मॉल मोबाइल ऐप से ही सीख सकते हैं। तो होगा सबसे सिंपल जो मैं यूज़ करती हूँ एंड आई सजेस्ट एवरीवन टू यूज़ इज इन शॉर्ट। बिकॉज देखो, अगर फिल्मोरा आप यूज़ करते हैं तो फिल्मोरा में आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा एंड वाटरमार्क रिमूव करने के लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लेकिन इन शॉर्ट पे आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो फ्री में कर सकते हैं। इनफैक्ट आप वाटरमार्क को भी फ्री में रिमूव कर सकते हैं, जस्ट आपको एक ऐड देखनी होती है। आई होप इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इनशॉट, तो मैंने बता दिया क्लियरली कि आपको यूज़ करना है इनशॉट ऐप, लेकिन अगर आप कोई और भी ऐप यूज़ कर रहे हैं एंड सब्सक्रिप्शन है तो फील फ्री टू यूज़ दैट। बट अभी मैं बता रही हूँ इनशॉट में आप कैसे करते हैं। जितने भी फुटेज लिए हैं आप डायरेक्टली इनशॉट पर डाल दो बिना कुछ सोचे समझे एंड उसके बाद जितना भी आपने फुटेज को एनालाइज करो एंड अगर आपको बस काफ़ी कम टाइम है, तो मैं क्या करती हूँ ना, सारा जो फुटेज है ना, मैं उसका स्पीड को इंक्रीज़ कर देती हूँ एंड जहाँ मुझे लगता है ना, तो जल्दी जल्दी मैं सारा पूरा वीडियो को देख सकती हूँ एंड जो जो पार्ट मुझे लगता है कि भाई ये नहीं चाहिए मेरे को, तो फटाफट मैं उस चीज़ों को हटा देती हूँ एंड फिर मैं स्पीड को रिड्यूस कर देती हूँ। एंड वो एक मिनट 60 सेकेंड्स आप दिमाग में रख लीजिए, 60 सेकेंड तक ही वीडियो का फुटेज होना चाहिए। 60 सेकेंड तक आपने फुटेज को रख लिया है, जो भी फालतू पार्ट है उसको रिमूव कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू वॉइस योर वीडियोज। तो वॉइस ओवर करने के लिए आपको चाहिए होगा एक अच्छा माइक। आपके पास माइक नहीं है तो आप एक शांत से जगह पे जाकर, यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, वहां एक मिनट, मतलब बैकग्राउंड नॉइज का नाम लिया कि नहीं एंड पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आने लग गया। कोई भी ऐसा माइक नहीं है तो यू कैन स्किप द पार्ट एंड एक शांत जगह पे जाइए, बिकॉज आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसके मिनी ब्लॉग के लिए। आई डोंट रिकमेंड कि आपके पास माइक होना जरूरी है, है तो ठीक है, बिकॉज आपको सिर्फ 60 सेकंड के लिए आपको शांत से जगह चाहिए होती है, 60 सेकंड में आपको वॉइस ओवर करना होता है। एंड अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट बोया, तो मैं उसे काफी लंबे समय से यूज कर रही हूँ, अभी तक मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम इशू नहीं दिया है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें जब वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट चाहिए, या बिना स्क्रिप्ट से भी हमारा काम बन सकता है। तो मैंने तो कभी ऐसा स्क्रिप्ट बनाया नहीं मिनी ब्लॉग के लिए, बट अगर आप चाहते हैं कि आप जितना एफर्ट्स डालना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप स्क्रिप्ट बना सकते हैं, आप स्क्रिप्ट में वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। लेकिन जो लोग वो फुटेज देख के ही वीडियो बनाना शुरू कर सकते हैं, फिर रिकॉर्डिंग में बोलना शुरू कर सकते हैं, इट कम्प्लीटली योर चॉइस। अभी नहीं बनाई हूँ एंड इसलिए शायद मेरा कोई वीडियो एकदम 10 मिलियन पे नहीं पहुंचा, मे भी हो सकता है। बट चलते हम इनशॉट के एडिटिंग ऐप पे, वहीं पे मैं आपको डिटेल में बताती हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जब भी हम मिनी ब्लॉग बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फुटेज। फुटेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वॉइस एंड वॉइस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टोरी टेलिंग, बिकॉज आपकी स्टोरी टेलिंग ही आपकी वीडियो को कितने एंड तक देखना है वो डिसाइड करता है। एंड इसका परफेक्ट एग्जांपल है सौम्या सी रेसिपीज, जो केक की रेसिपी शेयर करती है। केक तो केक उतना खास हो ना हो, लेकिन उनकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड उनकी वॉइस सुनने के लिए लोग पूरी वीडियो एंड तक देखते हैं। एंड आज मेरे पास छोटू से केक का ऑर्डर आया है बटर स्कॉच फ्लेवर का, और कस्टमर के इसमें क्या क्या डिमांड है, उन्हें मतलब केक के टॉप पर काफ़ी सारे रोजेस चाहिए और कलर कॉम्बिनेशन केक का ऑरेंज और वाइट चाहिए। तो ठीक है, आज हम वैसा ही केक डेकोरेट करें। उनके जो वीडियो है वो स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में होते हैं, इस वजह से लोग उनका वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। जो ये ऊपर ऊपर की बात हो गई, अब चलते हम इनशॉट ऐप में पूरी
पूरी तरीके से एडिट करने, पूरी तरीके से समझने किस तरीके से आप कर सकते हैं छोटी सी चीज़ बट डिटेल में। देखो सबको बेसिक्स तो पता है कि भाई वीडियो पे जाओ, प्लस पे क्लिक करो एंड जो भी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है वो सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लो, जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रिमूव कर दो। उसके बाद सिंपल म्यूज़िक में जा कर के रिकॉर्ड प्रेस करना है एंड फिर रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी है। एंड अगर स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट के साथ, एंड अगर माइक है तो माइक के साथ, एंड जितने भी बेसिक चीज़ मैंने बताया वो उस हिसाब से। तो मान लीजिए आपको जो वीडियो है ये जहाँ पे ये येलो कलर का दिख रहा है, इसके लिए आपको बहुत लंबा इंट्रोडक्शन देना है, लेकिन आपके पास है कुछ 4 सेकंड का ही टाइम है, तो आप इस आपको क्या करना है, आपको स्पीड में जाना है, इसकी स्पीड को रिड्यूस कर देना है। तो आप उसको 20 सेकंड तक इसके बारे में बात कर सकते हैं एंड अभी भी आप पार्ट कट कर सकते हैं। वही अगर आपको कम बोलना है तो आप उसका रिवर्स कर सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं, फिर कट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप बहुत सारे एनिमेशंस का भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको PIP में जाना है एंड जो भी आपको फोटो वीडियो जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। एंड यही वॉइस इफेक्ट को यहाँ से आप यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से कैप्शंस भी जनरेट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इसमें मत सेव कीजिए, आप यहाँ से 4K पे कर सकते हैं, बिकॉज शॉर्ट्स का जो क्वालिटी थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। 6x जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं सेव कर दूंगी। जो प्रॉब्लम है, हमें इनशॉट का वाटरमार्क रिमूव करना है तो क्लिक करना है क्रॉस के ऊपर, आप फ्री में ऐड देके रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 50 से ज़्यादा वीडियो इसमें ऑलरेडी बना रखी है तो मेरा यहाँ पे ऐड की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप रिमूव हो जाता है। कैन यू सी दैट? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा।